स्टूडेंट्स, आई एम राजू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फ्री में। हम प्रीवियस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन किया था, फार्मूला, और बताया गया था कि दो मेथड से बनाना बताया गया था। एक फैक्टराइज मेथड से फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फाइंड इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इफ एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन इज ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस क्वेश्चन को हम पहले सोल्व करते हैं। के किस वैल्यू के लिए x बराबर वन रूट होगा? तो चलिए सॉल्यूशन वन देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हम x इक्वल टू वन पुट कर देंगे। तो x स्क्वायर यानी वन स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स, के इंटू वन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सो वन इंटू वन वन प्लस थ्री प्लस के इक्वल टू जीरो। सो के इक्वल टू थ्री एंड वन फोर, फोर इधर आ गया आर एच एस साइड, माइनस फोर। सो के इक्वल टू माइनस फोर, के इक्वल टू माइनस फोर। यदि इसका मान, के का मान माइनस फोर होगा तो इसका एक रूट एक्स इक्वल टू वन होगा। चलिए, इस तरह का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकेंड टाइप देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ थ्री अपॉन फोर एंड माइनस टू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन है जिसमें ए और बी का मान निकालना है। यदि इसका रूट्स फर्स्ट रूट थ्री अपॉन फोर एंड सेकेंड रूट माइनस टू है, तो इस तरह का क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करने के लिए यहां दोनों रूट्स दिया हुआ है, थ्री अपॉन फोर एंड माइनस टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सम ऑफ रूट्स, थ्री अपॉन फोर प्लस माइनस टू, यानी अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स को हम इंगित करते हैं अल्फा एंड बीटा के रूप में, दोनों रूट को। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फोर अपॉन थ्री अपॉन फोर प्लस माइनस टू अपॉन वन। फोर एंड वन का एलसीएम लिया, ये थ्री हो गया, वन फोर जा फोर और टू फोर जा एट, प्लस माइनस माइनस, थ्री माइनस एट अपॉन फोर ये आया। सो थ्री माइनस एट इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन फोर। इसे हम क्लियर कर लिया कि यह अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स है। फर्दर वी फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो थ्री अपॉन फोर इंटू माइनस टू, दोनों रूट को हम प्रोडक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, टू माइनस वन से कट गया, थ्री माइनस थ्री अपॉन टू, क्या आया? माइनस थ्री अपॉन टू। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा माइनस थ्री अपॉन टू, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस फाइव अपॉन फोर। चलिए, इस रूट्स के आधार पर हम इक्वेशन तैयार कर लेते हैं जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। नाउ इक्वेशन इज गिवन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस फोर, फाइव अपॉन फोर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस थ्री अपॉन टू। चलिए, पुट कर दिया। अब मैं इक्वेशन तैयार किया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस फाइव अपॉन फोर एक्स प्लस माइनस माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल टू जीरो। अब यहां हम फोर और टू है, दोनों का एलसीएम होता है फोर। क्या होता है? फोर। तो बी मल्टीप्लाइंग विथ फोर, मल्टीप्लाइंग विथ फोर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम इसे फोर से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो हम पाते हैं 4x² यहाँ 4 कैंसिल, 5x और यहाँ 2 2 3 2 6 -6=0। क्या आएगा मल्टीप्लाइंग विथ 4 बाय ऑन बोथ साइड 4x² प्लस 5x माइनस 6। इसमें सारे टर्म्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा। सो वी गेट 4x² प्लस 5x माइनस 6=0। चलिए ये इक्वेशन आया, हेयर दिया हुआ है ax² प्लस bx माइनस 6=0। अब हम बाई कंपेरिजन बाई कंपेरिजन ए के जगह पर 4 है और बी के जगह पर 5 है। सो a=4 एंड b=5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वी गेट a=4 एंड b=5। इस तरह से हम क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं। आगे हम वीडियो में और भी कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन जो है जनरल तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालते ही है, हम फैक्टराइजेशन मेथड से और भी कुछ स्पेशल टाइप का जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।